मेरे प्यारे बच्चों, मैं श्याम सुंदर सिंह, डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज मैं घनानंद के जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं। जिस तरह हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत छायावाद कवियों में प्रसाद पंत, निराला वर्मा जी का नाम आता है, उसी तरह से हमारे हिंदी साहित्य में रीतिकाल कालीन कवियों में हमारे प्रमुख रूप से 6 महान कवि आते हैं, जिनमें घनानंद, देव, पद्माकर, मतीराम, भूषण एवं बिहारी लाल भी आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये 6 जो रीतकालीन कवि हैं, उनमें सबसे बड़ा सिरमौर की उपाधि प्राप्त करने वाले एवं प्रेम के पीर कवि जानने वाले मशहूर हैं आज घनानंद, जिनको हम प्रेम के पीर कवि कहते हैं। आइए, जो प्रेम के पीर कवि, जो प्रेम भरी दर्द एवं पीड़ा के बारे में आज भी ये घनानंद जी का नाम रीतकालीन कवियों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इनके जीवन के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और 1939 ईस्वी में नादिर शाह के सिपाहियों ने इनकी हत्या कर दी, इनकी वध कर दिया। मतलब कि 1689 ईस्वी में इनका जन्म एवं 1939 में इनका निधन हो गया। ए शाह, मुगल शाह रंगीले के यहां मीर मुंशी का काम किया करती थी। ये बहुत ही बड़े संगीत प्रेमी और गायक भी थे। इनके जीवन में बताया जाता है कि जब नादिर शाह के सिपाहियों ने इनको, इनके ऊपर जब धावा बोला, तो उस समय उनसे सोना जो है जर 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 3 बार इनको पुकारे, माने जर जर जर, तो सोना मांग रहे थे। तो इन्होंने, घनानंद जी ने उन सभी को जर जर की जगह रज 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 धूल के रूप में भेंट किया। इस प्रकार क्रोधित अग्नि के रूप में आकर के घनानंद को नादिर शाह के सिपाहियों ने हत्या कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है। चलिए, इनकी रचनाओं में सुजान सागर, विरह लीला और रस के लीबल्ली, ये 3 प्रमुख रचनाएं हैं। और इनका जीवन का व्यक्तित्व यदि लिया जाए तो इनके जीवन में एक सुजान नाम की नर्तकी थी जिससे इनका प्रेम हो गया था। उसी प्रेम के दर्द भरी कराह में, विरह वेदना में बहुत ही सुंदर इन्होंने कविताएं लिखी है।
आज भले ही कोई कह ले घनानंद सचमुच में प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं। आज जीवन में जो है इस सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्रेम तो प्यार तो हो ही गया था, किसी अचानक इनका जीवन से बिछोह हो गया। इन्हें सुजान से जब छुटकारा हो गया तो उन्हीं की वेदना में इन्होंने जो है विरह लीला प्रस्तुत की। ये तीन महान रचनाएं हैं, सुजान सागर, विरह लीला, रसकेल्ली बिल्ली। तो हम चाहेंगे कि ये हमारे जीवन परिचय और जो नादिर शाह सिपाहियों द्वारा हत्या और ये रचनाएं और प्रेम के पीर कवि जो है ये परीक्षा में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं 10वीं बोर्ड परीक्षा में। इसी में से वस्तु निष्प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है हमारे घनानंद के बारे में हमने इतना ही जीवन परिचय प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।